यूपी सरकार पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए निर्देश दे रही है। इसका असर देवरिया जिले में देखने को मिल रहा है। देवरिया जिले में तैनात सीडीओ रविंद्र कुमार ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्राथमिक विद्यालय रुचापार गए, जहां की व्यवस्था ध्वस्त थी। उन्होंने विद्यालय को सुधारने के लिए विद्यालय को गोद ले लिया, फिर विद्यालय में स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरे, झूले के साथ छात्रों के भोजन की व्यवस्था के साथ विद्यालय को कॉन्वेंट की तरह सुसज्जित कर दिया। इस विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है। आज ये विद्यालय पूरे क्षेत्र की मिसाल बन गया है। इसी बीच सीडीओ का तबादला शासन ने कर दिया। अगले दिन विद्यालय पर बच्चों से मिलने सीडीओ रविंद्र कुमार पहुंचे, जहां अध्यापक और लोग फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन अपने अभिभावक की तरह प्यार देने वाले सीडीओ को देखते ही सभी छात्र रोते हुए उनके गले लग गए। कुछ पल के लिए विद्यालय का माहौल गमगीन शांत हो पड़ा और ये दृश्य देखकर हर व्यक्ति ऐसे अफसर के कार्य और विचार शैली की तारीफ करते दिखे। विद्यालय के छात्रों ने सीएम योगी व सरकार से सीडीओ के तबादले अभी रोकने तक डिमांड की है।